प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर ने हमको ये दिन दिया और पिछली बार हमने आशीष के बारे में देखते देखते आए हैं। आज भी प्रभु परमेश्वर ने मुझे आशीष का वचन दिया और इस आशीष के वचन को आज हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की आशीष अपने लोगों के ऊपर आती है। परमेश्वर की आशीष हालेलुया किन लोगों के लिए है ना। प्रभु परमेश्वर की आशीष किन लोगों के लिए है। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है कि हालेलुया कि बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग बातों में देखते हैं, लेकिन आज हमें आशीष तब मिलती है जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं। आज हमें परमेश्वर को खोजने वाला मन चाहिए। परमेश्वर को जो खोजता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, ये आज का वचन है। बहुत सारे लोग जो है दुनियादारी में अपनी जो है खोई हुई चीजों को फिर से लाने के लिए, खोया हुआ पैसा, कोई भी पत्नी, कोई भी पति, या कोई भी जो है घर, खोया हुआ जो है चीजें फिर से लाने के लिए प्रभु से वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हमारी कोई भी सारी आशीष परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा सारा नुकसान भरपाई कर दूंगा। हालेलुया, और जो अरबे नाम टिड्डियों ने खाया था और जो है गादम नाम टिड्डी ने खाया था, उस सारी भरपाई मैं तुम्हें कर दूंगा, ऐसा प्रभु का वचन बताता है। आज हम ढूंढेंगे, आज हम खोजेंगे, क्या खोजेंगे, आज हम परमेश्वर को खोजेंगे। हमारी कोई भी चीजों को ना खोजे, अपने परमेश्वर को खोजो और तब वो आपकी कोई भी सारी वस्तु आपको फिर से लौटा के देने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढने वाले बनो, परमेश्वर को खोजने वाले बनो। तो बाइबल में लिखा है कि देखो हालेलुया, पहले तुम उसके राज्य अधर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। तो आज हमारे परमेश्वर ने जो है एक जो है व्यक्ति था और जो है उसने कहा कि मुझे वो कटोरी चाहिए। कौन सी कटोरी? उसके पास एक कटोरी थी, कहानी है क्या? लेकिन वो कटोरी में वो कहते थे कि जिसमें चाउमीन आ जाए, एकदम चाउमीन आ जाए। उसमें कहते कि जो है अभी इसमें जो है चिकन चाउमीन आ जाए, एकदम चिकन चाउमीन। इसमें जो है मलाई कोफ्ता आ जाए, एकदम मलाई। और इसमें वो कहते थे कि अभी इसमें जो है नोटों की गड्डी आ जाए, एकदम नोटों की गड्डी आ जाए। और उसने कहा कि अभी इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो जो आप मांगोगे सब इसमें आ जाता था उस कटोरी में। तो उसने कहा मुझे जो है आशीष नहीं चाहिए, मुझे वो कटोरी चाहिए। जिस कटोरी में सारी चीजें आ जाती है वो कटोरी मुझे चाहिए। परमेश्वर के लोगों, ऐसी कोई दुनिया में कटोरी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा परमेश्वर है कि जो आपके सारे मनोरथों को पूरा कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय का 6वां वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किसको प्रतिफल देता है? खोजने वालों को। आज खोजने वालों की कमी है। बहुत सारे लोग जो है दुनियादारी की बातें खोजते रहते हैं, लेकिन खोजने वालों की कमी है। और वो खोजने वालों की कमी परमेश्वर कहता है कि जो है खोजने वालों को प्रतिफल। एक भाषांतर में लिखा है जो उसे खोजते हैं वो परमेश्वर स्वयं उनका हो जाता है। मतलब उसका प्रतिफल यह मिलता है खोजने के कारण कि परमेश्वर ही उनका हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम जो खोजते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर हमको मिल जाता है। आज हम परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमारे पास तो आएगी आएगी, लेकिन स्वयं परमेश्वर हमारा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी नहीं है। आज परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, इसलिए आप परमेश्वर को खोजने के लिए परमेश्वर के भवन में आए हैं। आज परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए हैं, क्योंकि आपका मन परमेश्वर को खोजता रहता है, खोजता रहता है। परमेश्वर को देखने की उमड़ रहती है, कब मैं प्रभु को देखूंगा, कब मैं उसका दर्शन दूंगा। अगर आपका दर्शन जो है चूकता है तो बाप रे, आप जो है, अब मैंने देखा कि सिस्टर के आंखों में कितने आंसू थे, बस एक संडे का चर्च ना होने के कारण। क्या इतना डिफरेंस जीवन में होता है? हाँ होता है। जो लोग सच्चे दिल से प्रभु से प्यार करते हैं, जो लोग सच्चे दिल से प्रभु से मांगते हैं, और बाइबल में लिखा है
कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं। जैसा लिखा है रोमियो 3:10, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, ये सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीवन से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनके मुंह उनका मुंह श्राप और कड़वा हट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, परमेश्वर खोजने वाला कोई नहीं है, बाइबल में लिखा। आज वो लोग धन्य है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को खोजने वाले लोगों के ऊपर पर बेशक की आशीष आती है, और कितनी खुशी की बात है, हालेलुया, ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खोजने वाले। लेकिन जो है लोग परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन कैसा खोजते हैं, उनकी उनकी खोज अधूरी रहती है, कैसे है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। परमेश्वर और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, अपने लोगों अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, वो है, वो है। आपकी प्रार्थना हवा में नहीं जा रही है, वो आपकी प्रार्थना जो है सीधे जाके परमेश्वर के सिंहासन पर लग रही है। हमारी प्रार्थना बाइबल के अनुसार सोने के कटोरे में आती है और वो परमेश्वर के सामने सन्मुख जो है रखी जाती है। हमारी प्रार्थना का उत्तर जो है प्रभु एकदम भेजता है, स्तुति और आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर जाती है, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। यही बात है प्रियो, जिस प्रकार जब हम बीज बोते हैं और पानी डालते हैं तो वहां पे जो है खाद या जो है अनाज तो उत्पन्न होता है, अब एकदम एकदम हरे हरे अंकुर निकलना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार अल्लेलुया, परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है, वो हमको अपना जीवन प्रतिफल देता है, वो उनको मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और कितनी खुशी की बात है। बाइबल में खोजने के लिए बताया जाता है कि परमेश्वर, पहला इतिहास 16:11, यहोवा और उसके सामर्थ्य को सामर्थ्य की खोज करो। तो जो है परमेश्वर के वचन बताता है किस किस बात की खोज करो, यहोवा की खोज करो, उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन की खोज करो, है ना, लिखा है कि यहोवा उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आज हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है प्रियो, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है, परमेश्वर के खोजी बनना है। लेकिन आज हम क्या है, सारा समय फोन पे लगाते हैं, सारा समय टीवी पे लगाते हैं, सारा समय इधर उधर देते हैं। लेकिन आज हम प्रभु परमेश्वर की खोज में लगने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हालेलुया। आज मैं दो व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा कि जिन्होंने परमेश्वर की खोज की, एक ने अच्छी शुरुआत की लेकिन अंत अच्छा नहीं कर पाया, और एक ने अच्छा ने उसकी शुरुआत जो है अच्छी थी, फिर बाद में खराब हो गई, फिर बहुत ही खराब हो गई, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा हो गया। आज हम देखेंगे जो है उज्जिया राजा के बारे में, दूसरा इतिहास 26 और उसके 5 में, और जकर्या के दिनों में परमेश्वर के वचन के विषय में समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ये उज्जिया राजा किसी खोज में लगा रहता था, परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। प्रियो कलवरी चर्च के लोगों, जो जो मेरी आवाज को जहां जहां जा रही है उन सारे व्यक्तियों को मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की खोज में लगे रहो। और ये उज्जिया राजा जब परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा, उसके जीवन में भाग्य पे भाग्य खुलते गए, दूसरे लोगों की दृष्टि में वो लकी बना, बाइबल की दृष्टि में वो ब्लेसेड बना, वो भाग्यवान और भाग्यवान और भाग्यवान बना। और ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं जो उसने छोड़ा नहीं जिसमें वो भाग्यवान नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे। लिखा है कि जो है जब उसने फिलिस्तीनियों से युद्ध किया, और मैं पढ़ रहा हूं दूसरा इतिहास 26:16, और उसने जब फिलिस्तीनियों से युद्ध किया और गत अपने और अश्दोद की शहरपनाह गिरा दी, और अश्दोद के आसपास के फिलिस्तीनियों के बीच में नगर बसाया। पहली बात उसने विजय प्राप्त करी, नगर बसाया।
परमेश्वर ने फिलिस्तियों और गुरुवासी और अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उसका युद्ध लड़ा। क्यों लड़ा परमेश्वर ने उसका युद्ध? क्योंकि वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। सिंपल सी बात, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, इसलिए वो जो है वो सारे काम कर पाया। वो भी जय प्राप्त करा, नगर बसाए, उसकी कीर्ति यहां पर बड़ बाइबल में लिखा कि अमोनी लोग उज्जिया को भेंट देने लगे, वरुण उसकी कीर्ति मिश्र के सिवाने तक फैल गई। कीर्ति ही कीर्ति, बाप रे, आज जो है वो अत्यंत सामर्थ्य हो गया, वो सामर्थ्य जो है वो बन गया। कितनी बड़ी बात, हालेलुया, विजय मिला, नगर मिले, कीर्ति बने जो है और सामर्थ्य बना। और ले लो, देखो और प्रार्थना कर रहा है वो, और प्रभु खोज रहा है, और परमेश्वर उसके हर जो है सीमाओं को बढ़ाता जा रहा है, परमेश्वर उसको हर हदों को बढ़ाता जा रहा है। उसके गुलाम हो रहे हैं दूसरे राजा, उसको भेंट लाने लगे हर साल। और जय बाइबल भी लिखा है हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष आएगी, हर प्रकार की आशीष आपके जीवन में ब्लेसिंग बन के आएगी। यहाँ पे उज्जिया ने यरूशलेम के कोने फाटक और तराई के फाटक और शरबना के मोड़ पर गुम्मट बनवा दिए, उनको दृढ़ किया। उसके बहुत से जानवर थे, हम तो कुत्ता भी पालने पा रहे, लेकिन उसके बहुत से जानवर थे। अलगाए की जो है उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए, बहुत से हौद खुलवाए, पहाड़ों और करमेल और उसके किसानों और दाख की बारियों के मालिक है, क्योंकि वो खेती किसान करने वाला था। कौन? उज्जिया। क्यों कर रही, क्यों इतनी आशीष मिल रही है? परमेश्वर का खोजी बन रहा है, परमेश्वर खोज रहा है, परमेश्वर खोज रहा है। उज्जिया के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती येल मुंशी और मासे दया सरदार हनन्या नामक राजा के एक हाकिम के पास आज्ञा करते थे, और उसके अनुसार वो दल बांध बांध कर लड़ने को जाता था। पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उसके अधिकार में 3,750,000 की एक बड़ी बड़ी सेना थी। बाप रे, अभी भी ईरान के पास मेरे ख्याल से 3 लाख ऐसा कुछ है, लेकिन उस समय में उसके पास इतनी सारी सेना थी। और जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। बाप रे, देखो परमेश्वर का खोजी व्यक्ति, जो परमेश्वर को खोज करता है, आपकी हदों को परमेश्वर बढ़ाएगा। आप जो है परमेश्वर की खोज में लगे रहो, आप परमेश्वर की द्वारा आने वाली आशीषों को ही सिर्फ नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आने वाले सारे जो है हालेलुया उसको खोज में लगे रहो। इसलिए लिखा है कि उसने पूरी सेना के लिए उज्जिया ने ढाले, भापे, टोप, झीलम, धनुष, गोफन के 70 तैयार किए। फिर उसने जो है वो इंजीनियर भी बन गया, किसान था, बिल्डर था, इंजीनियर बन गया। और लिखा है कि जो है उसने यरूशलेम गुम्मटों को कमर जो है एक ऐसे यंत्र भी बनवाया जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे उस जमाने में, बताओ। और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, इज़राइल बहुत बड़े बड़े आविष्कार करता है, ये आयरन डोम वगैरह जो है वो हम किसी को पता नहीं क्या है, लेकिन सबसे उच्च टेक्निक जो है परमेश्वर जो इज़राइल को दे रहा है, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर को खोजता है। वो पर वो देखो जिसे जाते लड़ाई के लिए गाना गाते गाते जाते हैं, यहोवा का गीत गाते बोलो, वो जो है क्रूस का चिन्ह कर रहे हैं उन जो है सैनिकों के ऊपर, वो परमेश्वर को मान रहे हैं। जो अगर आप भी परमेश्वर को मानेंगे इस भारत देश में, तो परमेश्वर आपको भी सबसे ऊंचे पे ले जाएगा, परमेश्वर आपको भी सबसे ऊंचे पे रखेगा। हालेलुया, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और बाइबल में लिखा है तो वो बहुत सामर्थ्य हो गया, जब वो बहुत सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा, घमंड आ गया, उसने परमेश्वर के भवन के साथ जो है बुरा काम किया, विश्वासघात किया, याजक के साथ विश्वासघात किया, उसके अपने पास्टर के साथ विश्वासघात किया। लिखा है कि जब उसका मन फूल उठा, उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। उसने कहा भाई मैं तो विजयी आदमी हूं, मैं तो किसान हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो बिल्डर हूं, मैंने हाउस बनाया, मैंने जो है
कितना जबरदस्त काम करा, और कैसे जो है मैंने माली रखे, किसान रखे, सेना रखे, लाखों लाख लोग मैंने यंत्र बनाए, मैं सबसे सामर्थ्य बन गया हूं। सारे काम जीवन में मैंने किए, लेकिन एक काम नहीं किया मैंने, मैंने कहा मैंने धूप नहीं जलाई अभी तक प्रभु के लिए, मैं धूप जलाऊंगा प्रभु के लिए। शैतान उसके मन में आ गया, उसका मन फूल उठा, मैं धूप जलाऊंगा। एक याजक क्या कर सकते हैं, और याजक को उसने कुछ भी नहीं समझा, 80-80 लोग उसको समझाने के लिए आए, लेकिन वो टस की मस नहीं हुआ। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने की कोशिश करी। लिखा है कि जो है जो धूप की वेदी जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, तब अजरिया ने याजक उस समय था उसके पास भीतर गया, और उसे संग यहोवा के 80 याजक जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा को सामना करके उसे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून के संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तूने क्या कर दिया है, विश्वासघात किया है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब हम एक दूसरे के विरोध में एक दूसरे को बोलते रहते हैं, सारे काम छोड़ के सब बुराई करना शुरू कर देते हैं, जब वैमनस्य उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को मैं बता रहा था, उनके घर में कुछ चल रही है बात, तो मैंने कहा देखो वो व्यक्ति बीच वही है, तो मैंने कहा देखो ये लोग क्या बोलते हैं बुराई, आप उनकी बुराई इधर मत पहुंचाओ, और ये लोग जो क्या बोल रहे हैं इनके विरोध में, आप उनकी बुराई इधर मत पहुंचाओ। आपको प्रभु ने मेल मिलाप की आत्मा दी है, आप उनको मेल मिलाप करवाओ। प्रभु ने आपको बहुत अच्छा रोल अदा करने के लिए कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, बाइबल में लिखा है उनकी गला खुली हुई कब्र है, उनके जीभ के नीचे जो है एक सांप का विष भरा हुआ है जो है। और ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि जो आपको जो बोलेंगे ना, तो आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहोगे, ऐसा बोल दिया। वो आपको जहर की नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बचाए हुए हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा कवर किए गए हैं, तो आप वो चाहे कितनी भी गालियां लोग दें, आप उनको बहुत आनंद के साथ सहन कर लोगे। मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे तो आनंदित और मगन होगा, डिप्रेशन में अच्छा आनंदित और मगन होगा, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। आज हम उस प्रतिफल को देख के गालियां भी खा लेंगे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, उसने गाली सुनकर कभी गाली नहीं रही। तो हम भी उसके चेले हैं। हालेलुया। तूने गाली गजरी, हिम्मत कैसे हुई तेरी गाली? ओ बाप रे, तो वो तो आधा हो जाता बेचारा। तो हम जो है ऐसा ना करें, हम जो है उसके साथ योग्य दृष्टि दें। बाइबल में लिखा है कि तब जो है उसको जो है याजक का काम करना था। बहुत बार हम जो है ऐसी चीजें करते हैं जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, और जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती तो परमेश्वर फिर दंडा भी देता है। इसलिए हम हर काम करने के पहले, हर शब्द निकालने के पहले देखें, इसमें परमेश्वर को बुरा तो नहीं लेगा, इसको परमेश्वर दुखी तो नहीं होगा, यह हमेशा सोचे। बाइबल में लिखा है तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। कैसे उठा? मतलब गुस्सा हो गया, जैसे AK-47 लेके निकला हुआ, लेकिन हाथ में क्या है? AK-47 नहीं, हाथ क्या है? धूप। तुम कौन बोलता था? कौन है तुम लोग? 80 लोग, 80 याजक लोग अपने आप को क्या समझते हैं? वो झुंझला उठा, गुस्सा करके वो जो है पवित्र स्थान में जाने लगा। और जो है बाइबल में लिखा है कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। बाइबल में जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान करता रहा। और जैसे ही यहोवा की खोज बंद करी उसने, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, स्तुति भेंट पढ़ना, आराधना करना, प्रभु की प्रशंसा करना, जैसे उसने बंद कर दिया,
वैसे ही आज परमेश्वर के वचनों के विरोध में जाने लगा, उसको लगा, फिर उसका अहंकार आ गया। पहले वो परमेश्वर की खोज में लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में जो है उसका मन घमंड से भर गया। उसने कहा मैं किसान भी हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, मैं लड़वैया भी हूं, मैं इतने लाख रखता हूं अपने साथ, कौन मेरे घर, ये क्या है, 80 लोग है ये, याजक लोग ये, क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर, देख लो प्रभु क्या करता है। मूसा को भी विरोध में लोग आए, आप इसी के साथ परमेश्वर बोलता है क्या, हमारे परमेश्वर नहीं बोलता है क्या, हम प्रार्थना नहीं कर सकते क्या, मैं आपको क्या समझता है मूसा। अगले दिन परमेश्वर का क्रोध आ गया, वे जीवित भूमि ने अपना मुंह फाड़ दिया, जीवित ही अधोलोक में उतर गए। बाप रे, परमेश्वर अपने दासों का युद्ध लड़ता है। रे भैया, आप परमेश्वर के दास दासी हो, आपके विरोध में कोई, देखना आपके शत्रुओं की कैसे हालत होगी, देखना आपके शत्रुओं को परमेश्वर कैसे लज्जित करेगा, देखना। आप खरे इजराइली हो, खरे यहूदी आप हो, जिनका उद्धार हुआ है और बैप्टिज्म हुआ है। हालेलुया, खरे खरे जो है परमेश्वर के दास दासी आप हो प्रियो। आप किसी के विरोध में बोलना नहीं, और जो आपके विरोध में बोलेगा परमेश्वर जो है अपनी सहायता भेजेगा और उनको हटा देगा। मेरे तो बहुत अनुभव है, मैं तो बहुत अनुभवों से गुजरा हूं, एक एक अनुभव बताऊंगा तो मैं जो है टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम जो लगेगा उसके लिए टाइम मिलेगा नहीं। लेकिन कहने का मेरा मतलब, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ रहा है। अगर आप खरे इजराइली हो, अगर आप परमेश्वर के दास हो और आपका मन परमेश्वर की खोज में लगा है, तो परिस्थितियां परमेश्वर बदलेगा, परिस्थितियां प्रभु परमेश्वर बदलेगा, वो समय बदलेगा। हालेलुया, ये बहन अपने घर अपने ऑफिस में प्रार्थना नहीं कर सकती थी। हालेलुया, जो पोस्ट के लोग उनको परेशान करते थे उसी पोस्ट पे परमेश्वर ने इनको बिठाया। प्रेज द लॉर्ड, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इतनी खुशी की बात। तो बाइबल में लिखा है कि जो है और अजरिया महायाजक सब याजकों पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल लिया। कैसे निकाल दिया? हाथ पकड़ के खींच के आ रहे तो क्या समझते, हट निकाल दिया उसको। वरन यह जानकर यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया है, उसने आप भी बाहर जाने की उतावली की। जब तक तो वो प्रभु की खोज में रहा तब तक तो परमेश्वर उसको भाग्यवान करता रहा। आज जैसे ही परमेश्वर के विरोध में चला गया, परमेश्वर के लोगों के विरोध में चला गया, बाइबल में लिखा है कि जो है उसकी कीमत एकदम ऐसी हो गई, जमीन पे आ गया, एकदम नॉर्मल व्यक्ति बन गया, एकदम श्रापित व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की खोज नहीं की, परमेश्वर के लोगों का आदर नहीं किया और परमेश्वर ने उसको फिर छोड़ा नहीं। बस लिखा है आगे बढ़िया 21 वचन, और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। ये राजा था लेकिन अभी राजा के जो है गद्दी से हटा लिया गया उसको। वह तो यहोवा के भवन में भी न जाने पाता था। बाप रे, कितने शराब आ गए इसके ऊपर। उसका पुत्र जो है उसके ऊपर जो है वो कांत नगर नियुक्त किया गया, उसके पुत्र को प्रभु ने चुना, उसकी जगत है। जो आशीष आपको प्रभु देना है आपको नहीं देगा, आपके बच्चों को देगा, और वो भी अगर लायक होंगे तो नहीं तो उनसे भी वो आशीष निकालेगा। परमेश्वर के लोग इसलिए परमेश्वर की खोजी बने रहो, परमेश्वर को डरो, परमेश्वर का भय खाओ, यह परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। जो योग्य चीज है वही परमेश्वर से करो आप। हालेलुया, यस। एक उज्जिया राजा के बारे में बताया मैंने, अब एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा कि जो रात में बैठता था, सिर से लेके पांव तक जो है उसके घाव हो गए थे, बड़े बड़े घाव, यहां पे घाव, वहां पे घाव, वहां पे घाव, सारी जगह बैठेगा वहां पे भी घाव, चलेगा वहां पे भी घाव, कैसा दुख होगा। अरे भाई, एक फुंसी निकल आती है गर्मी में तो उसको सहन करते 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 रहते हैं। उसके तो बड़े बड़े घाव हो गए सर से लेके पांव तक, और वो रात में बैठ गया ठिकरा लेके और वो पोछने लगे वो सारे घाव। बाप रे बाप रे बाप, सारा पस आता था, कंधा सफेद सफेद पस, घाव में कहता क्या क्या आएगा यही तो, और सब पस पोसा। और वो जो है उसके ऊपर जो है उसकी परीक्षा हो रही थी
और जो है बहुत दुखी था वो। अगर आपको परमेश्वर ऐसा दुख देता है तो आप क्या करोगे? आप तो एक प्रभु में तो हर संडे चर्च जाता हूं, फिर भी कमर का दर्द, फिर भी हाथों की झंझनाहट, फिर से सर का दर्द, तो निकाल देना प्रभु ये क्या गलती करी प्रभु मैंने, मैं तो कितनी प्रार्थना करता हूं प्रभु। अय्यूब तो आपसे भी पवित्र था, अय्यूब तो मुझसे भी पवित्र था, और फिर भी उसके ऊपर ये घटा। वो क्या कहता है देखो पढ़ो, सुनो अय्यूब उसका 5 अध्याय का 8 वचन, परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा, मैं तो ठिकरे लेके रात में बैठ के इन सारे फोड़ों को लेकर, ये सारी बीमारियां लेकर, हाँ इन बीमारियों को लेकर भी मैं क्या करूंगा, यहोवा ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने मुकदमों को प्रभु के ऊपर छोड़ना है। जिन जिनके मुकदमे हैं ये वचन प्लीज आप जो है अपने लिख के अपने बैग में रखिए और बार बार बोलते रहिए, मैं तो ईश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ूंगा, मैं तो ईश्वर को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। मेरा लड़ने वाला वो है, मेरा वकील वो है, मेरा जज वो है, मैंने अपना मुकदमा स्वर पर छोड़ दिया है। ए परमेश्वर मेरा मुकदमा तू लड़ प्रभु जी, मेरे मुकदमे में तू मुझे भी जय दे प्रभु जी। और प्रभु ने उसको विजय दिया कि नहीं दिया? जितना पहले था उसका दुगना प्रभु ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के खोजियों को प्रभु ये देता है। परमेश्वर को जो खोजते हैं, जो उसकी इज्जत करते हैं, जो उसको प्रार्थना करते हैं, जो हर रविवार को प्रभु के मन में आते हैं, जो एक संडे भी जाएगा तो उनको ऐसा ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये प्रभु के खोजी लग रहे हैं, प्रभु का ढूंढने वाले लग रहे हैं। मैं तो ईश्वर को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। उसके सारे बच्चे मर गए थे, उसे सारे प्राणी मर गए थे, ऊंट चले गए थे, भेड़ बकरियां चली गई थी, गधे चले गए थे, जितने सारे प्राणी थे सारे के सारे प्राणी जो है निकल गए थे। उसके पास जो उसे सारा सोना चांदी कपड़ा ध्यान सब कुछ सारा का सारा जो है वो निकल गया था, कुछ नहीं था उसके पास। रात में बैठ के जो है वो अपने फोड़ों पे जो है ठिकरे लेके मैं क्या क्या करता था पाप रहे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। प्रियो आज आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में परमेश्वर की खोज में लगे रहो और देखो परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपके ऊपर कभी अन्याय होने नहीं देगा। आप उसको ढूंढो, उसको खोजो, उसको कहो कि प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं। प्रभु जी बाइबल में लिखा है कि जो है जो प्रभु को खोजते हैं ना उनको प्रभु कभी त्याग नहीं देता। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल में भजन संहिता उसका 9 अध्याय का 10 वचन, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु को खोजने वाले लोग इतना पाएंगे क्योंकि सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। फिर से भजन संहिता 34:10, जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। यस, एक और वचन। हालेलुया। भजन संहिता 69:32, हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा भरा हो जाए। आप देखो ना, 2 घंटे प्रार्थना करके बैठो और जब उठो आप 2 घंटे की प्रार्थना करने पर आपको मालूम चलेगा सारा बोझ निकल गया है, आपका दिल हरा भरा हो गया। ये तो मेरा अनुभव है और आपका जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनका भी अनुभव है। हालेलुया। परमेश्वर के खोजियों के हृदय को परमेश्वर हरा भरा कर देता है। वाओ। फिर परमेश्वर के जो है खोजियों, परमेश्वर को हमें कैसे ढूंढना है, परमेश्वर को कैसे ढूंढना है बताओ। मतलब हालेलुया। जो है परमेश्वर को हमें कैसे ढूंढना है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को हमें ऐसा ढूंढना है कि जैसे हम जो है गुप्त धन को ढूंढते हैं। अभी जो मेहरोली में बहुत सारे गुप्त धन निकल रहे हैं, कोई भी जो है देखो तोड़ो मारो एकदम जो है उसमें से जो है बहुत सारे क्या निकलते हैं, वो बटे मटके मटके निकलते हैं, हाँ खदान निकलते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है उसको तो खैर जो है सरकार को देना चाहिए, लेकिन उसने सरकार ने दिया, आपने जो है करके आपस में मेल मिलकर खदान कर दिया।
खैर वो तो वचन के विरोध में है, लेकिन परमेश्वर आपको हालेलुया कहता है कि ऐसा ढूंढो परमेश्वर को जैसे गुप्त धन ढूंढ रहे हो। पढ़िए उस वचन को, नीति वचन दूसरे अध्याय का 14 वचन, आप उसको चांदी की नहीं ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगी रहे, लगे रहे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, हम परमेश्वर को पाते कब है? परमेश्वर को पाते कब है? बाइबल में लिखा है कि हम जब अगर सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करते हैं ना, तब उसको पाते हैं, या रात को भी प्रार्थना करते हैं जब वो मिल सकता है। हाँ, समय में वो मिल सकता है। और सुबह सुबह तो बहुत अच्छी समय है। मुझे हमारे चर्च में जो एक माँ बेटी है, वो कहते पास्टर हम 3 बजे प्रार्थना करते हैं, हमारा जो है ये खत्म होता है, ड्यूटी खत्म होती है, मैं और मम्मी बैठ जाते हैं प्रार्थना 3 से लेके जो दुआ होती है। और परमेश्वर ने उनकी जो फिर चमत्कार भी उतने सारे किए। खोजियों को, ये खोजियों को अपने मांगने वालों को देता है वो, अपने खोजने वालों को देता है वो, सबको नहीं देता, वो अपने खोजने वालों को विशेष रीति से देता है, अपने मांगने वालों को विशेष रीति से देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पढ़िए नीति वचन 8:17 जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे यहां पर जो है, हाँ मेरे पीछे बोलो, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यत्न से तड़के, तड़के मतलब सुबह सुबह जल्दी उठेंगे तो वो मुझे पाते। तो सुबह की प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है, रात की प्रार्थना भी बहुत पावरफुल प्रार्थना है। रात की प्रार्थना हो नहीं सकती क्योंकि उस समय तो हमारे फोन एंगेज रहते हैं बहुत ज्यादा, और तड़के हम उठ नहीं सकते क्योंकि रात को हमने इतनी देर जो है देखा है फोन, तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझको पाते हैं। हालेलुया। आप आदत लगाओ, हालेलुया, जल्दी सोने की, जल्दी उठने की और बहुत दुआ करने की। जो है जॉन वेस्ली में खास होता कि जो है सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रार्थना करता था वो, और प्रभु परमेश्वर उसकी सेवका में बहुत आशीष देता था। जैसे बहन ने अभी कहा था, जब तक वो मिल सकता है तब तक उसी खोज में रहो। हालेलुया। अभी बहुत जल्दी तुरई फूकने वाली है और जो उसके लोग हैं वो क्या हो जाने वाले हैं, स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं। एक घर में मैं गया और वहां पे जो है एक ही व्यक्ति है उस परिवार में, सब आ रहे चर्च में, वही नहीं आ रहे। मैंने कहा भैया आप जल्दी आओ चर्च में। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा बहुत जल्दी तुरई फूकी जाने वाली है, आपके परिवार के सारे स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले हैं। आप अकेले ही होंगे कि जो उठा लिए नहीं जाओगे। बोले कैसे? प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूं। नूह ने भी अपना जहाज बनाया था, प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। जो कलीसिया में आता है वो स्वर्ग में जाएगा 100%। जो स्वर्ग में जो पृथ्वी चर्च में आएगा यहां पे आराधना कर पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है लेट आते हैं, लेकिन कुछ जो सबसे दूर से आते हैं वो सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो है मैंने मेरे मुंह से एक बात निकली वो ये कि वो परमेश्वर तुम्हारी जो है शैतान तुम्हारी आराधना चुराने ना पाए। हालेलुया। ये आराधना सिर्फ संडे को नहीं है, ये आराधना जो है एवरीडे की है, हर रोज गाने गाने हैं। और संडे को इसलिए एकदम टाइम पे आना है क्योंकि सबके साथ हम आराधना करते हैं, सबके साथ आराधना करने की आशीष अलग ही है और प्रभु परमेश्वर वो आशीषों से भर देता है, प्रभु आनंदित कर देता है। हालेलुया। बाइबल में पढ़िए उस वचन को, भजन संहिता 55:6 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। अब जय स्वर्ग में हम लोग जाएंगे, कलवरी चर्च के लोग जो नीचे रह जाएंगे, कितनी भी पुकारो और कितनी भी प्रार्थना करो, स्वर्ग में जाएंगे क्या वो लोग? हेलो, नहीं जा पाएंगे वो। इसलिए अभी पुकार सकते हो, चर्च में जा सकते हो तो चर्च में जाओ, उपवास कर सकते हो उपवास करो और परमेश्वर को पुकारो। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। आजकल लोग जो है दुनियादारी की सारी चीजें खोज रहे हैं, कोई पैसा को खोज रहा है, कोई गाड़ी को खोज रहा है, कोई क्या खोज रहा है। कल ब्रदर ने बताया कि कैसे वो मोटरसाइकिल को खोज देते हैं हमेशा, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, मोटरसाइकिल की चीजें,
करोल बाग यहां पे चीजें मिलती है, वो मिलता है, ये मिलता है। फिर जो है उन्होंने कहा नहीं, ये सब बातें जो है अलग, पहले परमेश्वर को खोजना। हालेलुया, हमें परमेश्वर को पहले खोजना है। बाइबल में लिखा है जो हमको अच्छा अच्छा लगता है हम अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं ना। पढ़िए वचन को फिलिप्पियों 2:21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं न कि यीशु मसीह की। आज हमें यीशु मसीह की खोज में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला पॉइंट अभी मेरा खत्म हो गया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट मेरा कि ये खरी आशीष क्या है। खरी आशीष, आशीषों के पीछे भागना है कि आशीष देने वाले परमेश्वर के पीछे भागना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आज हमको आशीष देने वाला परमेश्वर चाहिए, आशीष देने वाला पूरा का पूरा परमेश्वर चाहिए हमें। थोड़ी सी भरपूरी नहीं चाहिए, बहुत भरपूरी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, बहुत सारे लोग जो है बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, चंगाइयां करते हैं, चमत्कार करने का वरदान मिला है, दुष्टात्मा को भगाने का वरदान मिला है, लेकिन उनका जीवन अगर आप देखेंगे व्यभिचार से भरा है, पाप से भरा है, गंदगी से भरा है, पैसों का लालच है, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लीला क्रीड़ा सारे पापों में है वो लोग। जय प्रभु ने कहा तुम्हें फ्री में मिला है फ्री में दे दो, लेकिन वो अपने रुमाल इतने इतने जो है हजारों को बेचते हैं, तेल इतने हजार का बेचते हैं, उतना हजार का बेचते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, उस वरदान के साथ उन्होंने जो है बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है। मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकों को बनाया। एक जगह पे बोले जो है तुम्हें लेहन चाहिए तो 10,000 रुपए लाओ, लेहन कराएंगे, पैसे नहीं है तो हम पास मत आओ, ऐसे बोलते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के लोगों आज, लेकिन जो पर आज मैं दो गधियों के बारे में बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, दो गधियां। अरे दो गधियां जो है ये दो गधियों के बारे में पढ़ेंगे, गिनती उसका 22 अध्याय। एक ऐसी गधी है कि जो है उसको उसका मालिक मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, इतना मारता है गधी को, दो दो एक एक दो दो तीन तीन बार मारता है। गधी के मुंह से शब्द निकलता है, भविष्यवाणी निकलती है, अन्य भाषा निकलती है। गधी कभी मनुष्य की बोली बोलती है नहीं, लेकिन इस गधी के मुंह से भविष्य वो जो है अन्य भाषा निकलती है, वो मनुष्य की बोली बोलने लगती है, फिर भी उसको मारता है। यस, और कैसे बाइबल में लिखा है वो बिलाम को, बिलाम जो है वो भोर को उठा, गिनती 22:21, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का को भड़क उठा। मत जा, तू मत जा, मत जा, नहीं जाना, मुझे जाना है। क्यों? बिलाम ने कहा था, हालेलुया, बालक ने कहा था कि मुझे जो है बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी, और इसलिए बिलाम निकला बालक की दक्षिणा के लिए। उसकी आंखों में किसकी धुंध है, जो है दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी, इसलिए उसको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था, परमेश्वर की आज्ञा दिखाई नहीं दे रही थी, उसको सिर्फ दक्षिणा दिखाई दे रही थी। और वो लिखा है कि जब बिलाम भोर को उठा, अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चला, और उसे जाने के कारण परमेश्वर को परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, उसके संग 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा और वो मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच में गली जिनके दोनों और बारी की दीवार थी खड़ा हुआ। तब यहोवा का दूत देखकर गधी, यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसे सट गई कि बिलाम के पांव दीवार में दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। यहां पे बिलाम का जो है सामना करने के लिए परमेश्वर का दूत आता है और वह कहता है कि तुझे जाना नहीं है, लेकिन इसको जो है गधी को दिखाई दे रहा है स्वर्गदूत
लेकिन इस गधे को दिखाई नहीं देता। गधी को दिखाई दे रहा है पूरा, स्वर्गदूत आ रहा है सामने, नंगी तलवार है, मार रहा है, उगा रहा है, वो इधर उधर रास्ता भटक रही है, वो मारे जा रहा है, वो मारे जा रहा है उसको, और लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जो है इस बारे में लिखा है, गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई, तब बिलाम ने गधी को मारा और वो फिर मार्ग पर आ गया। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में, बीच की गली में, जिनके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ, और यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम के पांव दीवार में दब गया। तब उसने उसे फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सफेद स्थान पर खड़ा हुआ जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी ना बाईं ओर। तो वहां के यहोवा ने दूत को देखकर गधी के गधी बिलाम के लिए 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 बैठ गई, ना इधर जाने का रास्ता ना उधर जाने का रास्ता। ये कितनी अच्छी गधी थी वो, लेकिन ये गधा बाप रे। आज तो बिलाम, तो फिर तो बिलाम का कोप, ये देखो उसी इसी के ऊपर बिलाम को, अरे जो उसको समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं यहां पे मत जा, आगे मत जा, आगे मत जा, आगे मत जा, उदी के ऊपर गुस्सा हो रहा है। जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हम वचन पे ही बाइबल पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हमको वो गलत काम करना है। दक्षिणा दिखाई दे रही थी उसको, इसकी आंखें बंद कर दी थी प्रभु ने। बाइबल ने बिलाम को भड़बड़ा और उसने गधी को मारा। तभी हमने गधी का मुंह खोल दिया। बाप रे, ये अन्य भाषा बोलने लगी। देखो उसको जो पवित्र आत्मा ने भर दिया, अन्य भाषा, अलग भाषा बोलने लगी। देखो ये मत सोचो कि तुम्हें गिफ्ट मिलने के बाद में जो है बहुत बहुत वाहवाही वाहवाही मिलेगी, डंडे भी मिल सकते हैं। यहां पे लिखा है कि गधी का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है, तूने मुझे तीन बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा, यह तू जो मुझसे नटखटी की है, तो नटखटी कर रही हो, तब यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू जन्म से लेकर आज तक चलता आया है, क्या मैंने तुझे तुझसे ऐसा कभी करती थी। वो बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। बिलाम की आंखें पे दक्षिणा दिखाई दे रही थी। लोगों की आंखें इसलिए नहीं खुली हुई क्योंकि उनका पैसे का लालच है, उनका उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बैठी हुई है, स्पिरिट ऑफ जज़बेल उनके अंदर है। वो हमेशा व्यभिचार, पैसा, दुनियादारी, फैशन, यही उनकी आंखों में बसा है। मैं कैसी लगूंगी, मैं कैसा लगूंगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, यही घमंड है और दूसरा कोई दिखाई देता नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है ये दिखा रहा है, क्या परमेश्वर मेरे ऊपर गुस्सा है, क्या मैं यहां पर जा रहा हूं, वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बस जो है दुनिया संसारिक बातों में लगे हैं वो। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसका, तब उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दे पड़ा। तो वो झुक गया, अभी झुक गया, आगे खोलने के बाद अब झुक गया भैया। अरे तू तो मरने वाला था तीन तीन बार, तुझको गधी ने बचाया, हे गधे अभी भी सुधर जा। यहां पे लिखा है वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा ने दूत से कहा, तूने अपनी गधी को तीन बार क्यों मारा। जो जो लोग अपने पत्नी को मारते हैं, जो लोग अपने पति को मारते हैं, उनको एक दिन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तूने क्यों मारा। बाप रे, तूने क्यों मारा, माय गॉड। और जो है तूने क्यों मारा, सुन तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। उसको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी चाल चल रहा हूं, मुझे भविष्यवाणी का वरदान है, मैं अभी भविष्यवाणी करूंगा, मैं इसराइलियों के विरोध में श्राप लाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं धमका करूंगा। देखो गिफ्ट के पीछे ज्यादा मत भागो। बाइबल में लिखा है कि अच्छे से अच्छे वरदानों की धुन में रहो, ये तो लिखा है, लेकिन उसी के पीछे मतलब, अरे भैया उसी के पीछे, तो किसके पीछे लगना है हम बताएंगे आपको। यहां पर लिखा, उसके मुंह के बल दंडवत की। यहोवा के दूत ने उसे कहा, तो अपने गधी को तीन बार क्यों मारा, सुन तेरा विरोध करने के लिए मैं आया हूं, इसलिए तू मेरे सामने उंगली चाल चलता है, और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से तीन बार हट गई, तीन बार हट गई, और जो जो मेरे सामने हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता। उसकी तीन बार मौत से बच गया उस गधी के कारण।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर ने हमको मौत से बचाया, परंतु उसको इसको मैं जीवित छोड़ देता हूं। ये तुझको बचा रही है, ये मां तुझको बचा रही है, ये पापा तुझको बचा रहे हैं, ये तुझको बार बार सही रास्ते पे ला रहा है, लेकिन तू उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तू कहता नहीं पैसे लाओ मेरे पास, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं, उनके मुंह उनके आंखों में वे विचार नहीं बसी है, उनके उनके मनों में कुछ और ही बात है जी, प्रभु की बात है नहीं उनके मनों में। कहा कि मैं तुझको निस्संदेह मार डालता, बाप रे निस्संदेह मतलब पूरा पूरा जो है प्लान बना था प्रभु का उसको मारने का, क्योंकि वो उल्टी चाल चल रहा था। बाइबल में जो है उसको जो है प्रभु ने उसको बोला है कि जो है ये गधी उल्टी चाल नहीं चल रही है, तू उल्टी चाल चल रहा है, जहां तुझको जाना नहीं चाहिए था वहां को जा रहा है। अरे गधी मुझसे देखकर तीन बार हट गई, यदि हटना जाती तो निस्संदेह में मार डालता और मैं उसको जीवित रख छोड़ता। बाप रे चाहे परमेश्वर के लोगों, लेकिन बाद में उसका जीवन बच गया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो है बहुत सारे पाप किए, इस जैनिस बिलाम पाप किए और इज़राइल लोगों को पाप का कारण का ठोकर बनाया और उसकी मौत भी बहुत बुरी हो गई। चाहे वो भविष्यता था ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी भविष्यवाणी को योग्य तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए एक नाश का कारण ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड, आप जो वरदान मांग रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, आप जो अच्छी अच्छी बातें मांग रहे हो, भविष्यवाणी का वरदान, दुष्ट आत्मा को भगाने का वरदान, नाम लेकर पकड़ने का वरदान, भूत भविष्य वरदान बताने का वरदान, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, कभी कभी हो सकता है कि अगर तुम सही रीति से ना रहे तो ये चीजें लेके आपको डुबा लेगी। जो हालेलुया भविष्यवक्ता करते भाई उनके पीछे मत भागो। आज प्रभु आपको कुछ एक बात सिखाता है, पढ़िए उस वचन को, जो है किसके पीछे भागना है हमें। मत्ती 21:5, किसियों की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चों पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े ढाले और वह उन पर बैठ गया, और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालिया काट काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती पीछे पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। यूहन्ना, यहाँ पे दूसरी गदी है ये, यूहन्ना हालेलुया 12:13 बाइबल लिखा है खजूर की डालिया उन्होंने ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकार कर कहने लगे कि होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधी को बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया जैसा लिखा है कि सिवा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस गधी का भी देखो, इस गधी ने कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन इस पर कौन सवार था? यीशु मसीह सवार था। क्या इज्जत, अगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और खास करके प्रभु यीशु मसीह है तो उस गधी की इज्जत कहीं और ही बड़ी है। सिर्फ जो है वरदानों को मत ढूंढो, यीशु को ढूंढो। यीशु को ढूंढो भाई, यीशु को ढूंढो। हालेलुया, पूरा का पूरा यीशु मेरे अंदर समा जाए, पूरा का पूरा भरपूरी से मेरे अंदर आ जाए। वरदान तो ऐसे मिल जाते हैं जी, आप मारो प्रार्थना करो वरदान मिल जाएंगे आपको, वरदान तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर सवार होके चलना ये फ्री में नहीं होगा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए कीमत, 2 घंटे प्रार्थना करो, 3 घंटे प्रार्थना करो, 4 घंटे प्रार्थना करो, प्रभु से कहो प्रभु तू मुझे बता दे, प्रभु के ऊपर अपना केंद्र बिंदु प्रभु यीशु रखो, दुनियादारी की बातें मत मांगो, प्रभु को बताएं कि आपने मांगने से पहले प्रभु जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है। आज आपको भविष्यवाणी के वरदानों के पीछे मत पढ़ो, आज आप अगर पढ़ो किसके पीछे तो सिर्फ प्रभु यीशु के पीछे पढ़ो। आमेन। हालेलुया। तो ये 2 गदियों के बारे में बता, परमेश्वर जो है बहुत सारे लोग जो आशीषों के पीछे भागते हैं, आशीषों के। मैंने उदाहरण दिया जब एस्तेर यहां बैठी थी, मैंने कहा मैंने एस्तेर को एक फोन दे दिया, अच्छा महंगा फोन दिया मैंने, मेरे से 10-12 हजार का फोन दिया मैंने उसको, जो है एंड्रॉइड है उसको ये करना है स्कूल में वगैरह। फिर अब एस्तेर कहती है पापा थैंक यू सो मच, मुझे एकदम गले लगाती है, मुझे चूम लेती है, पापा थैंक यू सो मच, उसने चुमा गया गौरव बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन अब जो है पापा कहते पापा अब मैं और मेरा फोन
तुम जाओ तुम्हारी विजिटिंग, तुम जाओ तुम्हारे जो काम करना है वो काम करने के लिए। आज वही चीज हो रही है, मैं और मेरा जय वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, यीशु तू अब थोड़ा दूर रहे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि पास्टर क्या आप जो है व्यभिचार करने के बावजूद भी चंगाई कर सकते हैं क्या, जो है लालच रखने के बाद, चोरी झूठ फरेब गलत काम करने के बाद भी क्या पवित्र आत्मा के वरदान काम करते हैं क्या? मैं कहता हूं करते हैं, करते हैं। आप भविष्यवाणी भी करोगे, एक्यूरेट भविष्यवाणी भी रहेगी, आ जाके आप व्यभिचार भी कर सकते हो, ये भी पाप जो है हो सकता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु की जरूरत है, हमें सिर्फ वरदानों की आवश्यकता नहीं है। मैं फोन दूंगा चला जाऊंगा, अब कोई संबंध नहीं भैया। अबे जो है पति पत्नी को कोई फोन देता है, अब कोई संबंध नहीं है, बस जो है खाना खाने के लिए बैठे, साथ में तो बैठे हैं जरूर, लेकिन सब लोग अपने अपने फोन लेके बैठे हुए, कोई जो है मम्मी किसी बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। बहुत लोगों के साथ साथ बहुत लोगों के पास वरदान है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो यीशु को लेके चलते हैं। हालेलुया, यीशु उनके अंदर है। जो परमेश्वर को लेकर चलते हैं वही खरे विश्वासी है। हालेलुया, इसलिए बहुत सारे लोग जो है आप गिफ्ट के पीछे मत भागो, आप जो है फ्रूट के पीछे भागो। क्या आपके अंदर फ्रूट है क्या? वो प्रेम आनंद मेघ धीरज कृपा भलाई विश्वास समृद्धि सब है क्या? आजकल जो है बहुत सारे भविष्यवक्ता जो है शराबी है, व्यभिचारी है, पापी है, अभिषेक से बहुत सारे लोग जो है आते हैं, जो है प्रार्थना हो जाती है उनके लिए, व्यभिचारी गंदे लोग चोरी करने वाले गलत रिपोर्ट दिखाने वाले, उनके लिए प्रार्थना हो जाती है इन द नेम ऑफ जीसस, सारे धड़ जाते हैं। आपने देखा कभी? बाप रे, बहुत जबरदस्त गिर जाते हैं, फिर वो उठ खड़े हो जाते हैं, घर जाने के बाद में फिर से शराब पीना शुरू करते हैं, उनका पढ़ना गिरना क्या फायदा। जॉन वेस्ली की सेवका में ऐसे नहीं था, ऐसे लोग कहते हैं, वो जब उसकी सेवका में कोई लोग आते थे, वो जब प्रभु के पास आते थे तो वो प्रभु को ही पकड़ के रखते थे, क्योंकि जॉन वेस्ली प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर सवार होने देता था और तब वो सेवकाएं करता था। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। आजकल जो है लोगों को लगता है कि इसके पास बहुत सुंदर जो है शरीर है, या इसके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए इसके पास प्रभु है। ना 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 ना, ये आपकी जो है गलत फहमी है। आज आप देखो उसका जीवन, क्या उसके जीवन में व्यभिचार तो नहीं है, गलत काम तो नहीं है, चोरी तो नहीं है, फरेब पे तो नहीं है, और परमेश्वर जो है हालेलुया फिर भी जो है वो लोग जो है आज हम प्रभु यीशु मसीह के आलोचना वरदान प्रभु में फ्री बस रहता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति जो है आलोचना बहुत कीमती है, और उसको पाने के लिए आप प्रयत्न करें। सुबह उठने के बाद में तड़के उठिए और परमेश्वर को ढूंढिए, तड़के उठिए, फोन मत ढूंढिए, प्रभु को ढूंढिए, और देखना कि आप के अंदर प्रभु यीशु मसीह रहेगा, और फिर आपकी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह सॉल्व करेगा। वो सारे वरदान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, वरदान सिर्फ उतनी चीजों के लिए होती है, सिर्फ बीमारी वगैरह के लिए है। हालेलुया, आपको पैसा वरदान नहीं देगा, आपको जो है आपके ऑफिस की लड़ाई प्रभु प्रभु लड़ना चाहता है। हालेलुया, इसलिए आप प्रभु को लेके जाइए। किसको लेके जाइए? प्रभु को ले जाइए। आपने देखा दो गधियों के बारे में, एक गधी के पास जो है कितना सब कुछ बोल रही है लेकिन फिर भी डंडे खा रही है, अरे गधी जिसके ऊपर यीशु मसीह सवार है, वाह, जिसके ऊपर यीशु मसीह सवार है उसका बेइज्जती हो ही नहीं सकती है, और अगर होगी है तो प्रभु उसको भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु ये वचन तूने दिया पिता परमेश्वर, और इस वचन को समझने के लिए तूने सहायता की प्रभु, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ने हमको दिया, हे प्रभु पिन ड्रॉप साइलेंस तूने प्रभु परमेश्वर दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी, प्रभु ये आशीष आज हर एक जन के ऊपर उतर आया है प्रभु। आज हमने देखा प्रभु जी कैसी ये आशीष हालेलुया खोजने वालों को मिलती है प्रभु, हमें खोजने वाले विश्वासी बना प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडला पिता प्रभु जी, हम विश्वासघात ना करें प्रभु जी, लेकिन तुझे खोजने वाले बने प्रभु जी। प्रभु तेरे परमेश्वर वचन में लिखा है प्रभु जी, बहुत सारे लोग खोजते रहिए प्रभु जी, लेकिन खोजने वाले बना प्रभु जी।
और विश्वास के साथ खोजे प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि कैसे हमें प्रभु तेरी सामर्थ्य की खोज करो, यहोवा की खोज करो, उसके लगा दर्शन के लगातार खोजी बने रहने के लिए तुम्हें बताता है प्रभु जी। जैसे प्रभु वो प्रभु हिजकिया उज्जिया राजा प्रभु जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक तू उसको भाग्यवान करता रहा। आज ये लोग प्रभु तेरी खोज में लगे हैं, तेरे वचन सुन रहे हैं, पूरा पूरा वचन सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु तू उनको भाग्यवान कर। प्रभु परमेश्वर पिता उज्जिया राजा जैसे बहक गया, मन घमंड आ गया, हमारे अंदर वो घमंड आने ना पाए पिता प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता तूने उसको हर क्षेत्र में बढ़ाया, लेकिन जब उसका मन फूल गया वो प्रभु कोड़ी बन गया और उसके ऊपर इतना बड़ा श्राप आ गया कि वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकता था, एक अलग कोठरी में रहता था और मरने तक वहीं पे रहा प्रभु जी। उसकी सारी आशीषें छीनी गई, वो एकदम जमीन से जमीन के नीचे आ गया प्रभु जी। हे प्रभु जी हमारे प्रभु कोई भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हम अय्यूब के समान हो प्रभु जी, जो कहता कि मैं हालेलुया और मैं प्रभु के पास ही रहूंगा, मैं यहोवा को खोजता रहूंगा और हालेलुया मेरा मुकदमा प्रभु की और हालेलुया प्रभु ही प्रभु पर छोड़ दूंगा, मेरा मुकदमा लड़ने वाला प्रभु है, मेरा जज प्रभु है, मेरा वकील प्रभु है। हालेलुया तू अपने खोजी को त्याग नहीं देता प्रभु जी। ओ प्रभु जवासियों को तो भूखी रहते हैं प्रभु, लेकिन तेरे खोजी लोग किसी भली वस्तु घटी नहीं रहेगी, उनका मन हरा भरा रहेगा प्रभु जी, और गुप्त समान धन के समान हम ढूंढेंगे प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता हमें तड़के जल्दी सुबह उठने के लिए सहायता कर, और जो तू कहता कि जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते उनको और वे मुझे पाते हैं, जब तक यह मिल सकता है उसी खोज में लगे रहो। आज हम खोज में लगे रहने के लिए प्रभु परमेश्वर अपना जीवन तुझे दे देते पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु हालेलुया। दुनिया के लोग प्रभु सारे स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, पैसे के और दुनियादारी की खोज में लगते हैं, कि हम यीशु मसीह की खोज में लगे रहेंगे प्रभु। हालेलुया तू सहायता कर पिता प्रभु, और हम प्रभु जी जो आशीष तूने हमको दिया है उनको फोन के जैसे इस्तेमाल ना करें प्रभु जी, हम तेरा समय तुझको देने वाले बने प्रभु, कि तू हमें आशीष देता है प्रभु जी, आशीषों का स्रोत तू है खुदावा, और हम तुझे लेकर पूरा का पूरा यीशु हमारे अंदर समा जाए, तभी हम घर के बाहर निकले प्रभु जी, तभी हम प्रभु अपना काम करने के लिए निकले प्रभु जी। हे प्रभु जी हम हालेलुया ऐसे बाहर निकले ना प्रभु जी, इसलिए हमारी सहायता कर, एक एक व्यक्ति को ब्लेस कर, एक एक व्यक्ति को वो यीशु मय हो जाए, यीशु से परिपूर्ण हो जाए, ऐसा होने दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस वचन को हालेलुया हम सील बंद करते हैं हर एक व्यक्ति के मन में, हालेलुया प्रभु सो गुणा सो प्रतिशत फल दे इस वचन के द्वारा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दुनियादारी की बातें नहीं प्रभु, सिर्फ प्रभु पर अच्छे वरदान नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की खोज में लगे रहे, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रवेश पड़ी रहे, आमेन आमेन आमेन। सब जय मसीह की, प्रभु आपको आशीषित करे, मे गॉड ब्लेस।